मैक्सिमम पावर थ्योरम, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको क्वेश्चन दिखेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम के, और काफी दिखेंगे। मैक्सिमम पावर थ्योरम का प्रूफ तो नहीं आता, क्योंकि प्रूफ में कैलकुलस यूज रहे, तो एनसीईआरटी में इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती, पर कॉम्पिटिशन के अंदर या हो सकता है एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव के अंदर भी हो सकता है इसकी मार्किंग कर आ जाए, मार्क करने का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। मैक्सिमम पावर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास एक बैटरी है जिसकी इंटरनल स्मॉल आर है, एक्सटर्नल कैपिटल आर है, तो थ्योरम ये कहती है कि अगर ये बैटरी अपनी मैक्सिमम पावर कैपिटल आर को देना चाहे, वो तभी दे सकती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बैटरी अपनी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम पावर कैपिटल आर को देना चाहती है, वो तभी दे पाएगी ये छोटा और बड़ा आर बराबर है। अगर छोटा और बड़ा आर बराबर नहीं है तो पावर मैक्सिमम आउटपुट पर कभी भी नहीं आ पाएगी। तो इसके अंदर ये प्रूफ है इसका, जब कैपिटल आर एंड स्मॉल आर कनेक्टेड है तो आई की वैल्यू क्या है, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, तो आउटपुट कैपिटल आर में पावर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू पुट कर ली तो पावर की वैल्यू आ गई। आप ये चाहते हैं कि पावर मैक्सिमम हो, तो आप इस पावर को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, इक्वल टू जीरो कर दें। तो अगर आप इस पावर की वैल्यू को यहाँ पुट करें, यू बाई वी का फॉर्मूला लगाएं, जो आपको लगाना नहीं है, आपको याद भी नहीं करना, सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लगा रखा है कि देखो ऐसा होता है, तो अगर यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व करें, तो ये बात सही आएगी, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। आपने सिर्फ याद करना है कि बैटरी मैक्सिमम पावर तभी दे पाएगी जब छोटा आर और बड़ा आर बराबर है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा कि बैटरी ने मैक्सिमम पावर बाहर कितनी दी, ये भी बताओ। तो बैटरी पावर इतनी दे रही थी कैपिटल आर को, तो अगर तुम मैक्सिमम पावर निकालना चाहते हो तो कैप हर जगह कैपिटल आर पुट कर दो, या हर जगह छोटा आर पुट कर दो, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो मैक्सिमम पावर में हर जगह या तो कैपिटल आर पुट कर दो या हर जगह स्मॉल आर पुट कर दो, तो ये आपके पास मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला आएगा, ये मार्क करने को आएगा। तो लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में मैक्सिमम पावर थ्योरम, और लिख लो पावर मैक्सिमम तब होगी जब छोटा आर बड़ा आर के इक्वल है, और मैक्सिमम पावर के दोनों फॉर्मूलाज को नोट कर लो, ये मार्क करने को आएंगे।